नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर की सीसामऊ पुलिस ने 1 करोड़ के गबन करने के मामले में एसबीआई के पूर्व मैनेजर और उसके पति को अरेस्ट कर लिया है। जांच में पूरा खुलासा तब हुआ जब एसबीआई की वर्तमान मैनेजर ने पूर्व महिला मैनेजर के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की जांच में आरोप सही पाए गए। सीसामऊ पुलिस ने पूर्व ब्रांच मैनेजर ज्योति यादव और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसबीआई की जीटी रोड शाखा मैनेजर प्रवीण कुमार ने जनवरी 2022 में शफीपुर बंगाली कॉलोनी निवासी पूर्व ब्रांच मैनेजर ज्योति यादव पर खाता धारकों के पीएफ अकाउंट से छेड़छाड़ कर 1,78,000 गबन करने का आरोप लगाया था। मामले में 6 जनवरी 2024 को सीसामऊ थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तब से ज्योति और उसका पति फरार था। सीसामऊ थाना प्रभारी ने बताया कि शातिर ज्योति यादव ने जिन खातों में मोटी रकम थी लेकिन मोबाइल नंबर नहीं थे, उन्हीं को टारगेट पर लिया ताकि रकम ट्रांसफर होने के बाद भी अकाउंट होल्डर के पास कोई मैसेज नोटिफिकेशन न पहुंचे। निकाली गई रकम को फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिए पति राहुल सिंह यादव की फर्म स्काई लाइन इंस्टीट्यूट के खाते में ट्रांसफर कर दिया।